हरे 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 राम।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गजानन भूत गणाधिषेविका कपेत्र जंबो बलचारु उमासुतं शोकलिना सकारकं नमामि पार्वण्यरोषो भक्तस्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्मसंमोहचेता यस्य यस्यान्निश्चितं रोहितव्ये शिष्यस्ते कविं पुराण मनुषासिदार मनोरमीयां समनुस्मरेत् सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मायेत्य वर्णं तमस पश्यामि देवास्तवदेवदेह सर्वास्तथाभूतविशेषसंग्रहा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ नृसिंह सर्वा मुरगा अनेक बाहु गर्वकने पश्यामि
से स्वरेश गरीण चीण के गोराशे सर्वतो पश्यामि निरीक्षक ज्योतिमात्र विश्वस्य परम् सनातन स्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्त मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत तव त्वं स्वदेशाविश्वमिदं अहंकं द्यावापृधेयो जीवमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं आमी त्वां सुरसंग्राहि सन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रोद्रादित्यासवो ये स साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मास्य सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतव प्रकीर्त्या जगत्प्रविश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि हिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे शान्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे स जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरञ्ज त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं हिता श्रीवेद्यं च परं च धाम वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
कविता महास्ते सुसहस्रदे नमः पुरस्तारकृष्णदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्तु सर्वम् सभेति मात्वा सदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान तवेदम् मया प्रमादप्रणयेन भावि चावासार्थमशक्तिदोषी विहाय शैया स न भोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमक्षम् तक्षामयित्वा पिताशिलोकस्य सराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नास्त्वमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय दायम् प्रसादये त्वा महमीश वीर्यम् सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि अमेव माताचरिता तमेव त्वमेव मन्दो सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम राम। श्री गीता जी का पाठ दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री भगवान वाच अशोच्यानशोचस्वादास्त भाषसे गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पाण्डिताः नत्वेवाहं जातु नाशं न चौने मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सले वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते
धीरस्तत्र नमोह्यसि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तिक्षस्व भारत व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते तत् उभयोरभिदृष्टोऽन्त स्पनयो सत्त्वदर्शि अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति आन्तवान्तयिने देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत येनौ वेत्ति हन्तारं यस्तैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
नारायण 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 राम राम राम। प्रश्न आया है कि चुप होकर के बैठने से जो मन में अशुद्ध संकल्प आवे तो वे भी नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट। उपेक्षा रखो, ना उसका आदर करो ना निरादर करो, ना ये मिट जाए ये मानो, ना ये आ जाए रहो रहे ऐसा मानो, उसकी कोई मतलब नहीं है। अपने आप सा मिट जाएगा। ये एक बहुत जबरदस्त युक्ति है। आप माने न माने वो तो आपकी मर्जी है, परंतु मन बस करने की बहुत सी पुस्तकें मैंने देखी, लेख देखे, इन पर बातें सुनी, प्रश्नोत्तर हुआ है, परंतु ये उपेक्षा करना जितना बढ़िया चीज है उतना विरोध करना बढ़िया नहीं है। मन को लगाना और विरोध करना, ये नहीं आवे, ये नहीं आवे, ये नहीं आवे ऐसा, और ये आ जाए इसमें मन लग जाए, इसमें मन लग जाए, ये इन दो की अपेक्षा उदासीन होना ये बढ़िया है। ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना ये आ जाए ये इच्छा रखे, ना ये ना आवे ऐसा नहीं रखे, ना राग रखे ना द्वेष करे, दोनों ही न करे, विरोध ही न करे, राग भी न करे, अनुमोदन भी न करे, कैसा ही हो जाए। संकल्प होते हैं उनका आप अशुद्ध एक कहते हो, हम कहते हैं एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है, एक आवश्यक होता है, एक अनावश्यक होते हैं, चार तरह के होते हैं, परंतु उनको जरूरत नहीं उनकी, उदासीन रहना है सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है। तो अशुद्ध संकल्प नष्ट हो जाएंगे, उनसे राग और द्वेष करने से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ में राग किया उनका भी कल्याण हुआ, द्वेष किया उनका भी कल्याण हुआ, अरे दूसरों का नहीं हुआ, तो क्या वो संबंध जुड़ता है। ऐसे आप संसार को अच्छा मांगो तो संबंध जुड़ेगा, बुरा मानो तो संबंध जुड़ेगा, संकल्प को अच्छा मांगो मानोगे तो संबंध जुड़ेगा, बुरा मानो तो संबंध जुड़ेगा। अच्छा बुरा उस है, हवा चलती है, वृक्ष हिल गया, कपड़ा सूखता हिल गया तो हिल गया, और क्या हो गया, यूँ हिल गया तो गया, और क्या फर्क पड़ा उसमें। ऐसे मन में कोई संकल्प आ गया नहीं आ गया तो क्या है, उपेक्षा उदासीन तटस्थ। वास्तव में संसार से तटस्थ आप है, आप तटस्थ होंगे, साक्षी होंगे, अगर ये साक्षी मन में संकल्प आवे उन्हें ये साक्षी होकर देखे या नहीं, बिल्कुल मत देखो। अगर शांति चाहते हो तो साक्षी बनो मत, ये व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा, साक्षी बनने से व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा, राग और द्वेष से व्यक्तित्व बना रहेगा, साक्षी हो जाना ठीक नहीं है। साक्षी क्या, हम है नहीं साक्षी, होता रहे, हमें मतलब नहीं है उनसे, किसकी साक्षी हो। उदासीन उदासीन हो गुणे जीवन विशाल लेते, गुणा वर्तन देते हो योग दृष्टि नहीं देते। साधकों के लिए और सिद्धों के लिए और भगवान के लिए गीता में ऐसे शब्द आए हैं, उदासीन हो गया सब जैसा, उदासीन हो गया सब जैसा आया है, उदासीन उदासीन भगवान स्वयं कहते हैं, असंत कर उदासीन आसीनम, उदासीन उदासीन हो गुणे जीवन मुक्ति गुणातीत नहीं कहते, सब कुछ उदासीन तटस्थ साक्षी नहीं तटस्थ। हमें मतलब नहीं है, अच्छे से मतलब है, गुरु मतलब है। मैंने श्लोक कहा था, नहीं वत्स्य कृते न अर्थ न अकृते नहीं अकर्षण, न करने से कोई मतलब है और न करने से कोई मतलब है, करने न करने से दोनों से मतलब नहीं है। नहीं वत्स्य कृते न अर्थ न अकृते नहीं अकर्षण न सा सर्वभूत आश्रय, तो करने न करने से दोनों से कोई मतलब नहीं, ना राग करना द्वेष करना, ना हर्ष होना, ना प्रश्न होना है।
ऐसे तटस्थ हो जा। तटस्थ होना है ये भी कहना कहते हैं, वास्तव में होना नहीं है, तटस्थता है स्वतः स्वाभाविक। गंगा जी का जल बह रहा है, उसको भीतर लगा कर जल को धक्का लगावे कि थोड़ा जल को बहा दे बहा दे, तो कहते मूर्ख क्या आप ही बह रहा है, हाथ लगा के रोक देते हैं सब पानी को रोक देते हैं, अभी मूर्खता है, ना रुकेगा और ना तेरे से बहनेगा, तेरा मतलब कर ले बहने दे है जी रहने दे, तुम्हारे स्नान सोच करना भी कर दो चलो, क्यों तकलीफ देखे, ऐसे संसार बह रहा है, इस संसार को हम रोक दे, में हमारे इतना काम हम कर रहे हैं, इतना निषेध कर दे, में इनको हटा दे, में इतना ले ले, में कोई तकलीफ देखना कुछ नहीं होने का, इसे संसार बह रहा है, बह रहा है, कोई दखल नहीं दे इसे, अपने भगवान से पता एक परमात्मा है, आत्मसंस्थ एक है परमात्मा परिपूर्ण है, बस उन है से मतलब है, अपने से मतलब नहीं है, ये आवे तो क्या न आवे तो क्या, ठीक है तो क्या बेठीक है तो क्या, अनुकूलता तो क्या प्रतिकूलता तो क्या, इसका मतलब क्या इसने बड़ा, अपने कोई मतलब नहीं है। जी उन्मुनि स्थिति से हो जाएगी, उन्मुनि स्थिति, हाँ उन्मुनि मुद्रा उसी है, उन्मनी मुद्रा बड़ी बढ़िया है, उन्मनी दृष्टि होती है, उन्मनी मुद्रा होती है, उन्मनी स्थिति होती है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। शवासन की स्थिति में इसकी स्थिति में क्या शवासन की जो मस्तिष्क की स्थिति होती है, शवासन कहते हैं, शवासन में इसमें क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं, शवासन असली होता है वो वास्तव में ऐसा ही है, संकल्प रहित ही है, पर शवासन कर लेते लंबा पड़े केवल इतने से नहीं होता है, ठीक भीतर से वृत्तियां ऐसी एक होनी चाहिए, हो जाएगा कैसे, नारायण 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 ये चुप होना कुछ न चिंतन करना, ये तो शब्द है नहीं, इस बात हम शब्द का प्रयोग करें क्या करें, उस तत्व को बताने वाले शब्द नहीं है संसार में, है ही नहीं शब्द, शब्द की वह गति नहीं है, इस बात से ऐसे कहते हैं चुप होना नहीं है, चुप होना भी क्रिया है और चिंतन करना भी क्रिया है, दोनों क्रिया है, साधक समझे में विषय आया है सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि से आत्मनि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति कर्मणि अकर्मीय पश्यति अकर्मणि से कर्मीय, तीनों है ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, तीनों दोनों मतलब सबके लिए, अपने तटस्थ स्वतः सिद्ध, जैसे दृष्टांत दिया मैंने कि नींद लेते हो तो क्या पुरुषार्थ करते हो, बताओ क्या उद्योग करते हो, किस वृत्ति को लाते हो, किस वृत्ति को हटाते हो, किसके साक्षी बनते हो, कौन से अशुद्ध संकल्पों का विचार करते हो, शुद्ध का विचार करते हो, बस विचार ही नहीं करना ही नहीं, अब नींद आ जाएगी आपसे आप ही, ऐसे नींद जैसे आ जाए ऐसे आप से आप शांत हो जाए, वो चीज है, उसमें उद्योग नहीं है, उद्योग से नींद नहीं आती है, परिश्रम करने से थकावट होती है, थकावट का परिश्रम वापिस है, इसका विश्राम होता है आप से आप नींद आती है, पर नींद के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, बताओ कोई करो तो संकल्प बताओ, चुप साधन में शरीर का भान रहता है क्या,
ये आप निगाही मत रखो, शरीर का भान है कि नहीं भान है, तो शरीर का भान हो ही जाएगा, साधन सिद्ध नहीं होगा। शरीर का भान रहता है नहीं रहता नहीं करो ना, तो ये वृत्ति होगी नहीं। मैं कहता हूँ उस हो गई नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है निगाह रखोगे तो कुछ नहीं होने का है जो ही रहोगे, अभी हो जैसे रहोगे। ख्याल ही मत करो कुछ भी, सही का भान रहता है कि नहीं रहता है, होश रहता है कि नहीं रहता है, बेहोश हो जाते हैं कैसा हो जाता है, मूर्छा हो जाती है, नींद आ जाती है, नींद आ तो ख्याल रखो उसे, वो फिर छोड़ दो, सिद्ध नहीं होगा। नींद आ गया तो नींद में समय बर्बाद होता है, इस बात खड़े हो जाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, ऐसे करो। कुछ नहीं हुआ ऐसे ही पूछते, पता हम तो तटस्थ बैठे हैं, हमारे सामने जीव हिंसा हो रही है तो हम क्या करें, हम तो तटस्थ बैठे हैं चुपचाप, सामने जीव हिंसा हो रही है तो उसमें क्या करें। फालतू बात है ये, विषय ही ठीक नहीं है। बोला राम राम के बाजार गयो, तब उस राजी खुश एक भूंजान खाओ, ऐसा है मतलब। जीवन से रोको मत, थोड़े दो मना कर दो, क्यों करता है जीवन से रोको, ये विषय नहीं है। थोड़ी सी एक बात ये कहता हूं कि जो विषय चलता हो उस विषय में प्रविष्ट होकर फिर पूछो, उठपटांग मत पूछो। इनमें बड़ी बेइज्जती होती है ना, मैंने कहा फजीती होती है ना। नारायण 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 शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचन विचिन्तयेत। ये ध्यान लगाना नहीं है, स्वतः लग जाएगा ध्यान, स्वतः है, और स्वतः ध्यान होगा वो असली होगा, और किया हुआ ध्यान नकली होगा, कितने ही परिश्रम करो नकली होगा, समाधि भी नकली होगा, ये असली होगी। और इसमें ख्याल नहीं है, मेरी बात पर विश्वास नहीं, स्वयं करके देखते नहीं, वो क्या करे, वो ही उपाय है, स्वयं चाहे करके देख लो और चाहे भाई मेरी बात मान लो, उचित शब्द मानो, जबरदस्त नहीं है बिल्कुल। एक सच्चिदानंद परमात्मा है, अंतिम साधन होगा ये, जितने आप साधन करो, भक्ति का, योग का, ज्ञान का, हलय योग, हट योग, राजयोग, मंत्र योग, अदर्श योग, जितने योग, उन संपूर्ण योगों का अंतिम साधन ये होगा। जैसे आप कितने ही छोड़ो रो काम करो करो, अंत में बैठोगे आराम करोगे कि नहीं, दिन भर काम करो, रात भर काम करो, दिन तक काम करो, खड़प करके फिर आराम करोगे कि नहीं, आराम के बिना दूसरी शक्ति आवेगी नहीं आप में। वो आराम है तो एक तो जड़ में आराम होता है, चेतन में होता है, इसमें दो फर्क हुआ, जड़ता में आराम तो होता है पर जड़ता से विकास नहीं होता, ताजगी तो आएगी, शरीर में ताजगी आ जाएगी, इंद्रियों में ताजगी आ जाएगी, मन बुद्धि इंद्रियों में ताजापन आ जाएगा, नयापन आ जाएगा, परंतु लाभ नहीं होगा, इतना लाभ होगा ताजगी आ जाएगी। और जो जागृत में सुषुप्ति हो जाएगी, जागृत में सुषुप्ति, जागृत में जागृत होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, तीनों अवस्था होती है जागृत में, जागृत में जागृत है जिससे हम आप व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार, ये है जागृत में जागृत,
और जागृत में बैठे हैं और ऐसी उठपटांग बातें याद आ गई जिनका कोई संबंध नहीं है, ऐसी बातें आ गई मनोरज हुआ पर गैर हुआ बेकार वो शहर है, यह है जागृत का स्वप्न, जागृत का स्वप्न है ये। और जागृत में है बैठे तो ना तो बाहर से काम धंधा है ना कोई भूलना है, स्वतः शांत हो गए, कुछ भी याद नहीं है, यह है जागृत की सुषुप्ति। मैं जागृत की सुषुप्ति कहता हूं, जागृत की सुषुप्ति है ये, जागृत अवस्था में सुषुप्ति। सुषुप्ति में इसमें फर्क है, सुषुप्ति में बेहोश हो जाता है आदमी, वृत्तियां अविद्या में लीन होती है, इसमें वृत्तियों का संबंध विच्छेद होता है। ये निरोध समाधि है ना, चित्त वृत्ति निरोध, निरोध में संबंध विच्छेद नहीं होता है वृत्तियों का, इसमें वृत्तियों का संबंध विच्छेद होता है। सबसे ऊंची बात है आपके आवे करो नहीं आवे मत करो, आपकी मर्जी है, मेरे से कोई सम्मति पूछे तो समाधि से भी ऊंची बात है ये। कहते हैं ऐसा चुप साधन है किसी भी समय कर सकते हैं, किसी समय कोई समय निर्धारित बिल्कुल नारद नहीं है, बढ़िया समय है नींद उठे तब, जब नींद खुल जाए उसी बिछौने पर बैठ करके करो, ये बढ़िया समय है, इसके लिए समय जरूरी है। बातें याद आया करती हमारे उस समय जो आप संबंध साधन बताते हैं, क्या क्या है शंका, क्या है आप चुप रहने की बात कहते हैं, ये जो आप बात कहते हैं उस समय याद आती है जिस समय चुप रहते हैं, महाराज जी ने ऐसा कहा है ऐसे चुप रहना है ऐसे करना, तो याद आ जाए उसकी परवाह मत करो, याद मत करो उसको भी, याद आए तो उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ उस बात से, ना राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो ना भला समझो ना बुरा समझो, क्या कोई बात उस मत समझो उसमें। साधना में और मौन व्रत में कोई फर्क है क्या? बड़ा भारी फर्क है, मौन व्रत में तो चुप होना पड़ता है। इस बात से मैंने कल परसों में पूछा और आज भी पूछता हूँ, आपकी ये अकल में आई कि नहीं आई? कल मैंने प्रश्न किया था, मेरी बात आपके कब्जे में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो क्या कमी रही वो पूछो। मेरी समझ में पकड़ नहीं पाया अभी, और चुप आया उनको क्या पता, वो बोलते हैं उनकी मालूम है, पकड़ नहीं पाए, उनको स्पर्श नहीं हुआ। संदेश उपरते उपरती है ना, जैसे रस्से चलते हैं, अब कहीं दिख गए, कहीं पत्थर पड़े दिख दे, कहीं वृक्ष खड़े दिख दे, कोई गाय खड़ी दिख गई चल दिए, वो याद नहीं रहती कितनी देख चीज है, याद रहती है क्या? देखोगे तो याद रहेगी, नहीं देखोगे दिख दे दिख दे दिख दे। आप याद आ जाए न आ जाए इसकी बेपरवाह रखो, बेपरवाह रहो, सबन से बेपरवाह देखो, निरपक हो तमाशा, निरपक्ष। आप पूछ रहे हैं कि साधु संतों में तो कोई काम है नहीं, वो तो इस अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन हम घर गृहस्थ वाले हैं तो उनको ऐसे चुप रह करके कैसे बैठे रहेंगे? ये तो तब करो, मैं कहूँ आठ ही पर चुप रहो तब ये प्रश्न हो सकता है आपका, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है, अभी तीन चार दिनों से बात चलती है, कभी नहीं कहा है कि तुम काम धंधा मत करो चुप हो जाओ,
बोलो भाई इतने आदमी गवाह दो हमारी बात ठीक है कि ठीक है। कभी मैंने कहा है कि तुम काम मत करो? मैं तो काम करते हुए कहा है कि काम करते करते बीच में चुप शांत और 5-7 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड इतना ही बोला हुआ, ज्यादा नहीं कहा हमने। आधा घंटा कर आधा मिनट कर लो बहुत बढ़िया, 5-7 सेकंड आप काम करते हो रोटी खाते हो, आप काम करते हो पानी पीते हो, आप आराम करते हो बात करते हो, आप काम करते हो निरर्थक देखते हो। 8 पहर का अगर फिर विचार करो आप सबसे, मैं एक प्रार्थना करता हूँ बड़े जोर से कहता हूँ, 8 पहर आप मिनटों का लगाओ ध्यान जिसमें काम धंधे की अपेक्षा फालतू समय ज्यादा जाएगा। 24 घंटा में 12-13 घंटा चला जाएगा फालतू में, फिर से काम में तो 10-11 घंटा जाएगा। हिसाब करते हो तो बता देंगे, कहते हो बाबा जी जो जाते हम कृष्ण कैसे करें, फालतू बात बिल्कुल फालतू बात। मैं कहूं जो हिसाब रखो मिनट मिनट का हिसाब रखो तो काम धंधे करने में समय कितना लगता है, फालतू समय कितना जाता है, बातों में समय कितना जाता है, इधर उधर देखने में कितना जाता है, सिनेमा में कितना जाता है, परचर्चा में कितना जाता है, हिसाब करो तो पता लगेगा। आधे से ज्यादा समय बर्बाद होता है, आधे से थोड़ा बहुत होता है। पढ़ाई करने वालों का पढ़ाई करते हैं वर्षों तक और वो समय बहुत थोड़ा लगा पढ़ाई में, फालतू समय ज्यादा जाता है। जो कोई साधन करता है फालतू समय न जाने दे, बड़ा भारी काम है ये, बहुत बड़ा लाभ होगा। फालतू समय बहुत जाता है, निगाह रखो तो पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा। लिख लो एक एक मिनट का लिखते जाओ, 8 बार लिख करके देखो पता लगेगा आपको। फालतू बहुत समय जाता है, ना कोई स्वार्थ है ना परमार्थ है ना कोई संसार का काम है, कुछ नहीं, फालतू जैसे कुछ पैदा नहीं होती। तो सावधान रहो, फालतू मत जाने दो समय, इतना याद रखो फिर सिद्ध होगा ये। नारायण 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 नारायण। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुख दास जी महाराज, 31 अगस्त 1991 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर।